भारतवर्ष के झारखंड राज्य में स्थित जैन समाज के सर्वोच्च तीर्थ स्थल श्री संबे शिखर जी पहाड़ी की पवित्रता व शुचिता को बनाए रखने के विषय में दमोह की दिगंबर जैन समाज, कुंडलपुर ट्रस्ट कमेटी, तारण तरण दिगंबर जैन समाज, जैन मिलन सहित अनेक संस्थाओं के द्वारा एक ज्ञापन माननीय प्रधानमंत्री के नाम सौंपा गया। दमोह के कलेक्टर एस कृष्ण चेतन को सौंपे गए इन सभी ज्ञापनों के माध्यम से इस तीर्थ क्षेत्र की पवित्रता और शुचिता को खंडित करने वाले लोगों पर कार्रवाई करने, साथ ही यहां पर इस तरह से पिकनिक स्पॉट आदि बनाए जाने के कुछ प्रयासों को बंद किए जाने और इन पर कार्रवाई किए जाने की मांग को लेकर के जैन समाज के द्वारा यह ज्ञापन दिया गया। बड़ी संख्या में जैन समाज के लोग विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से यहां पर पहुंचे, ज्ञापन का वाचन किया गया, साथ ही जिन मांगों को इनके द्वारा रखा गया है वह हम आपको सुनाते हैं। और इन लोगों के द्वारा इस तरह के कृत्य को दोबारा ना होने देने के लिए शासन से, भारत सरकार से निवेदन भी किया गया। क्या कुछ हुआ ज्ञापन के दौरान, क्या कुछ कहा पदाधिकारियों के द्वारा, आपको सुनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एसीएन न्यूज, दमोह। के साथ साथ सेवन के लिए भी कड़े प्रतिबंध व दंड को लेकर राजाज्ञा जारी की जाना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी एक वास्तविक अल्पसंख्यक समाज की मान्यताओं, धार्मिक विश्वासों, आस्था को संरक्षण प्रदान करना केंद्र राज्य सरकार के कर्तव्य के साथ साथ जिम्मेदारी भी है। श्री संबे शिखर जी पहाड़ की पवित्रता को बनाए रखने के लिए जैन समाज के यह खुला पत्र उचित संरक्षण प्रदान कर पवित्र धार्मिक स्थल क्षेत्र घोषित किए जाने हैं। शाश्वत तीर्थ शिखर जी मधुबन का जो ज्ञापन आज हम लोगों ने सौंपा है, चूंकि यहां से 20 तीर्थंकर हमारे 24 तीर्थंकर में से 20 तीर्थंकर मोक्ष गए हैं, पवित्र भूमि है, और कोई भी पवित्र स्थान हो शिखर जी के साथ साथ पवित्र स्थान कोई भी हो, जिस तरीके का तांडव जनमानस द्वारा किया गया है, शराब का सेवन किया गया, खुलेआम मांसाहार नॉनवेज वहाँ बनाया गया, तो ये तो एक सुरक्षा की दृष्टि से और सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश की गई है। इसका दमोह जैन समाज सिद्ध क्षेत्र कुंडलपुर कमेटी ने आज ज्ञापन इसलिए दिया है कि अपना देश संप्रदाय सद्भाव का देश है, एकता का देश है, और एकता बनी रहे और किसी भी तीर्थ क्षेत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए। इसकी हम जो शिखर जी में घटना हुई इसकी हम घोर निंदा करते हैं, और शासन से आज जो ज्ञापन सौंप के मांग की है, प्रधानमंत्री जी से ये मांग की है कि शाश्वत तीर्थ क्षेत्र शिखर जी को पवित्र स्थल घोषित किया जाए, और जो भी तीर्थ क्षेत्र चाहे हिंदुओं के हों चाहे जैनियों के हों, इस तरह की घटना कहीं ना घटे, ऐसे स्थानों को पवित्र ही घोषित किया जाए, ऐसी हमारी दमोह की जन समाज की मांग है। और अगर इस पर ध्यान नहीं दिया जाता है तो कोई बड़ा घटनाक्रम भी घट सकता है देश में, सौहार्द सामाजिक एकता भी बिगड़ सकती है। तो हमने यही प्रयास किया है कि हमारा सौहार्द एकता बनी रहे, इसके लिए हमने आज ज्ञापन दिया, और अगर इस पर सुनवाई नहीं होगी तो जैन समाज पूरे भारतवर्ष में एक उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगी। धन्यवाद, जय जैनंद। दिखाए गए हैं तो इससे संपूर्ण देश की समाज आहत है, और ये कुछ प्रतिनिधियों के संस्थाओं के कुछ प्रतिनिधियों के माध्यम से हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। अगर इसमें सरकार सख्त कदम नहीं उठाती है और धार्मिक स्थल पवित्र धार्मिक स्थल घोषित नहीं करती है तो हम लोग विरत आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। हम लोगों ने जिसमें श्री संबे शिखर जी जो संपूर्ण दिगंबर जैन समाज का तीर्थ क्षेत्र है, पवित्र तीर्थ क्षेत्र है, जहाँ से हमारे 24 तीर्थंकरों में से 20 तीर्थंकर मोक्ष पधारे हैं, वहाँ की कण कण की भूमि, रज रज की भूमि पवित्र और वंदनीय है, ऐसे स्थान पवित्र स्थान को पिछले कुछ दिनों से कतिपय लोगों ने पिकनिक स्पॉट बनाने का प्रयास किया है, जो बहुत ही निंदनीय कार्य है। हम सब भारत सरकार से यह अनुरोध किया है हम लोगों ने, और सारे देश की समाज अनुरोध कर रही है कि इस तीर्थ क्षेत्र को पवित्र तीर्थ स्थान घोषित किया जाए और ऐसे तत्वों को रोका जाए और रोकने की
कार्रवाई की जाए, इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर ज्ञापन दिया है। आज हम लोग सब ज्ञापन देने आए हैं। हमारा पावन पवित्र पुरातन तीर्थ जहाँ से 20 तीर्थंकरों का मोक्ष स्थली है, उस तीर्थ क्षेत्र पर कुछ ऐसे कार्य, ऐसी गतिविधियाँ होने लगी हैं जिनसे पूरा समाज आज आंदोलित है और बहुत ही कष्ट का अनुभव कर रहा है, क्योंकि एक ऐसे पावन पवित्र तीर्थ को पर्यटन स्थल बनाने की कोशिश की जा रही है जहाँ पर जैन धर्म के धर्मावलंबी बहुत ही आस्था और श्रद्धा के साथ वहाँ पर जाते हैं। जिस तरह हिंदुओं के लिए अयोध्या है, मुस्लिमों के लिए मक्का मदीना है, और क्रिश्चियनों के लिए जेरूसलम है, और सिखों के लिए अमृतसर है, उसी तरह दिगंबर जैन शाश्वत सिद्ध क्षेत्र शिखर जी हम सब के लिए प्राणों से प्यारा है। ऐसे तीर्थ क्षेत्र की सुरक्षा और संरक्षण करना संपूर्ण जैन समाज का दायित्व है, और सदियों से चिरकाल से यह क्षेत्र हमारे लिए शाश्वतता का और जैन धर्म का प्रतीक है। ऐसे तीर्थ क्षेत्र पर को पर्यटन स्थल बनने पर हमें काफ़ी दुख हो रहा है, इसलिए हम विरोध प्रकट कर रहे हैं, और संपूर्ण जैन समाज आगे चल करके उग्र रूप भी धारण कर सकती है यदि हमारे इस शाश्वत तीर्थ क्षेत्र को पर्यटन स्थल बनाने की कोशिश की गई, तो निश्चित रूप से पूरी समाज को आंदोलित होना पड़ेगा। इसलिए हम अपनी शासन को शांतिपूर्ण ढंग से, अहिंसा प्रेमी समाज है वह अपना संदेश देना चाह रही है कि इस तीर्थ क्षेत्र के स्थल को संरक्षण प्रदान किया जाए।